खबर आई है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। चल प्लीज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल देन यू मस्ट सब्सक्राइब इट फर्स्ट। अभी भी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं कश्मीर में हूँ। आई मीन आई एम इन श्रीनगर राइट नाउ और करीबन डल लेक के पास हूँ। सो आज का हमारा कुछ डिफरेंट प्लान है। वो प्लान ये है कि हम कहीं जा रहे हैं और जिस जगह हम जा रहे हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप सजदा करते हैं, जहाँ आप थैंकफुल रहते हैं, काफ़ी चीज़ें ग्रेटफुल रहते हैं। यहाँ बहुत शोर है, थोड़ा शोर कम होने दीजिए फिर बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है इस जगह पे। तो चलते हैं फिर बात करते हैं थोड़ा आगे पहुँच के। तो ऑटो में बैठ चुकी हूँ और जितना आप बार्गेन कर पाए उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो डल लेक से लेकर शंकराचार्य तक का जो सफ़र है मेरा, उसमें मेरा जो फेयर लगा है यानी किराया लगा है वो लगा है करीबन 300 रुपये। तो आप कम भी करवा सकते हैं और ज़्यादा भी, बाकी आप पे। सो शंकराचार्य टेम्पल हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि पड़ता है शंकराचार्य हिल्स में, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। सो दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और जो करीबन इसकी हाइट है वो है 1000 feet। आपने सही सुना, कुछ जब फेस्टिवल्स होते यानी कि हेरत जिसको हम बोलते हैं महाशिवरात्रि, तब कश्मीरी पंडित यहाँ पे आके पूजा करते हैं और इस टेम्पल में विजिट ज़रूर करते हैं। कर चुकी हूँ मैं, तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और हम वहाँ तक, हमारा ऑटो अलाउ था उसके बाद अलाउ नहीं किया उन ऑटो को, तो अब हम यहीं से पैदल चलते हैं। चलो। एंड कैन यू बिलीव इट्स अबाउट 250 स्टेप्स टू क्लाइंब। सांस अभी से चढ़ चुकी है, तो ऊपर जाना है। करी थी छुपाने की कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी मैं कहाँ आ रही हूँ, मगर मेरे कवर में जो मैंने टॉपिक रखा है, नेम रखा है, उससे समझ में आएगी होगा मैं कहाँ हूँ। भी और ऊपर चलना है। वो कितना चलिए बहुत स्टार्ट किया था। मेरे पापा बोलते हैं चल नहीं पा, थक जाओ, तो बोलो ओम नमः शिवाय। नहीं वाले हैं, जैसे ऊपर आ रही हूँ सांस इस जगह से सांस नहीं आ रही, सांस रुक रही है। चलो तो चलते हैं और ऊपर चलने वाले हैं, हम अभी पहुँचने वाले हैं बस। फाइनली वी आर हेयर। सो यू कैन सी द शंकराचार्य टेम्पल, इट्स देयर ऑन द टॉप। अभी हम पहुँचने वाले बस वहीं पे। इतना उतनी उधर से नीचे चल के आए हम, यहाँ से इतना लंबा रास्ता कवर किए। Finally, I have reached Shankaracharya Temple and it is a very beautiful Shiva temple situated at a height of 1000 feet or 1100 feet on the Gopadri Hill. पहुंच चुके हैं, तो मैं सर पे ये इस तरह दुपट्टा ले लिया है, ऊपर मंदिर है, ऊपर इस तरफ से है, और अगर आपने कुछ भी चप्पलें वगैरह निकालनी है, कुछ रखनी है, तो आप यहीं पे साइड पे कहीं पे भी रख सकते हैं, मगर सोच समझ के यहाँ पर रख लेना ध्यान से। और सामने वहाँ डोनेशन का काउंटर है इस तरफ, वहाँ पे आप डोनेशन के लिए कुछ चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा अब यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे और यहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे की तरफ जो रास्ता है कुछ दिखता है कि नहीं। चलिए। No cell phones or cameras were allowed before inside the temple premises for security reasons, but now they have allowed cameras or cell phones inside the temple, and I was very happy to know that.
और जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि मैं अभी आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊंगी जो कि इस तरह दिखता है दिसंबर जनवरी एंड फेब में। यहाँ थोड़ा फॉगी रहता है और थोड़ा क्लियर नहीं होता विजन, सो उस वजह से अभी नीचे का रास्ता क्लियर नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ से डल नीचे की तरफ देखे तो बहुत खूबसूरत दिखता है। वहाँ से जो अपने शिकारा राइड्स है वो कैसे फ्लोट कर रही होती डल पे, वो नज़ारा देखने लायक होता है। The temple is used for regular worship and pilgrim visit the temple from across the world. यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो फॉरनर्स भी हैं, जो अलग अलग इंडिया के पार्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे सजदा करने आते हैं, वर्शिप करने आते हैं। एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग। पहुंच चुके हैं टेम्पल में और मंदिर के अंदर जाके हम वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, प्रोहिबिटेड है, सख्त मना है। और जो इस टेम्पल की हाइट है नीचे से ऊपर तक करीबन 1000 feet है। अरे ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी क्राउड है, हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे ना, बाद में की जा सकते हैं। ऊपर आ चुकी हूँ मैं इतनी बड़ी जगह। ये देख लीजिए क्राउड, वैसे तो इससे ज्यादा क्राउड रहता है, इस बार थोड़ा कम है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, दर्शन करने जा रही हूँ, फिर आके मिलती हूँ आपसे। कोशिश की आपके लिए भी कि आपका भी दर्शन हो जाए, मगर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। तो मैंने आप सबके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके घर परिवार के लिए अच्छे से ऊपर वाले से प्रार्थना की है और सब स्वस्थ रहे, यही मैं भी दुआ कर रही हूँ, सब खुश रहे। और इस तरह वहाँ पे टीका लगाया गया और प्रसाद दिया, अगर मेरे साथ आप लोग होते तो आपसे भी शेयर करती। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, दर्शन तो ले लिए। एक यहाँ पे ये पार्ट है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा पिक्चर्स के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना पिक्चर्स भी यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगी। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे। मन कर रहा था कि मैं सारा दिन यहीं रहूँ, यहाँ से वापस ना जाऊँ, मगर जाना तो ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ से अब मैं चलती हूँ। हो चुकी और दर्शन भी हो चुके हैं, आपने आज मेरे साथ दर्शन किए श्री शंकराचार्य जी के। तो आपको फाइनली पता चल गया मैं आई थी शंकराचार्य दर्शन के लिए, और आपके लिए भी मैंने प्रे किया है ऊपर वाले से, खूब दुआ की है। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जय भोलेनाथ, नेवर फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम लॉर्ड, वही है करता रहता हम सबके, एंड ही इज़ द सुप्रीम पावर, और हमेशा सजदा करिए उनके सामने। सो आई होप यू गाइज इन्जॉयड वॉचिंग माई ब्लॉग्स। सो ये था मेरा दिन आज का जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड बाकी तो आपको पता है ये शेयर करना, मगर फिर भी मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप भूले ना और मेरे कहने पे
शायद से आप कर ही ले। चलो मैं जा रही हूँ यहाँ से। वहाँ से निकल के मुझे लग रही थी बहुत भूख, क्योंकि मैं खाली पेट वहाँ दर्शन के लिए गई थी और मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से। तो मैं सोचा क्यों ना मैं नाथू जाऊँ, यहाँ पे भी वेज में खाने को मिलता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो ये ज़रूर ट्राई करना। हम पानी पूरी, आलू का पराठा और पेस्ट्री एगलेस देखते मिलती है। तो ये आ गई मेरी पेस्ट्री, वॉलिट पेस्ट्री। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है ये बहुत ही टेस्टी है, मैं खाने लगी अभी। नथिंग स्वीट्स में यहाँ पे वेज में भी खाने को मिलता है, तो अगर आप भी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ से खा सकते हैं। सीधी सी बात है कि पेस्ट्री से तो पेट नहीं भरेगा, तो मैंने किया आलू का पराठा और ये भी बहुत ही टेस्टी, ये सुना है मैंने। अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि टेस्टी है या नहीं। दिखने में ये बहुत ही अभी अच्छा लग रहा है और स्टफिंग अच्छी है, मैश अच्छे से किया आलू भी उन्होंने। तो टेस्ट करती हूँ, अच्छा। मैं ना यहाँ पे आई थी उस टाइम के लिए सिटी मॉल में, जो कि श्रीनगर में पड़ता है, और ऐसा खबर आई है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, तो भी मैं यहाँ से भाग भाग के जा रही हूँ जस्ट टू सी स्नो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्नोफॉल होते हुए नहीं देखी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। उसको देखो आपको बना ये भी है। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं स्नो गिरते हुए। देखो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं कितनी तेज भाग रही हूँ जस्ट टू सी द स्नो। आप मेरी एक्साइटमेंट लेवल देख सकते हो, गिर ना जाऊँ मैं। तभी ठंड कितनी है, यहाँ से हवा भी निकल चुकी है। अगर स्नो नहीं ना गिरी हुई फिर याद रखना, अगर स्नो में बेइज्जती हो जाएगी। ओ ओ माय गॉड, ये देखो देखो स्नो फॉल। इट्स माय वेरी फर्स्ट स्नो फॉल एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इट राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। यहाँ की पहली स्नो फॉल, आई मीन मेरी भी पहली स्नो फॉल। वाओ द फीलिंग इज जस्ट सो अमेजिंग, सो डिफरेंट। और ये कुछ ना मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ टच हो रहा है, स्किन में फील हो रहा है। कम से कम मुझे यहाँ पे 5-10 मिनट हो चुकी है और थोड़ा ना ये स्नो बढ़ती बढ़ती जा रही है और ठंड भी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मैं अंदर जा रही हूँ। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे रास्ते में और यहीं से मैं जा रही हूँ घर। और देखो मैंने आपको स्नो दिखा दी फाइनली और ख़ुद भी मैंने मज़े ले लिए। तो अब इस स्नो फॉल देख जो मैंने आपको दिखा दी, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। एंड आई लव यू ऑल, बाय।